नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 नवंबर मंगलवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। देवास रोड के सिवांश सिटी कॉलोनी के पास पानी भरकर घर लौट रही दो युवतियों से कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की। जब परिवार के लोगों ने युवकों को ऐसा करने से रोका तो उन्होंने पूरे परिवार को पीट दिया। अभिलाषा कॉलोनी के सामने रहने वाले मुकेश मालवीय की बहनें पानी भरकर लौट रही थी। इस दौरान उनसे राजपाल सिंह, सागर, राजेश, लाल सिंह ने छेड़छाड़ की। जब मुकेश और उसके परिवार ने इनको ऐसा करने से रोका तो इन्होंने अपने साथी जितेंद्र के साथ मिलकर पूरे परिवार को पीटना शुरू कर दिया। हमले में मुकेश की पत्नी, छोटे भाई सुरेश मालवीय, मुकेश की माँ, चाचा बद्रीलाल मालवीय को चोट आई है। मारपीटी के साथ ही आरोपियों ने घर के सामान और कार में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में नागजीरी थाने में मुकेश की माँ ने शिकायत दर्ज कराई और बताया कि सोमवार रात उनके घर पर लाल सिंह और सुरेश रात करीब 12 बजे घर आए और मामले में समझौता करने का दबाव बनाने लगे। जब उसने इससे मना किया तो इन्होंने डंडे से मारपीटी शुरू कर दी। मोहल्ले के राकेश और अशोक ने आकर बीच बचाव किया। इस संबंध में मुकेश मालवीय ने बताया, घटना हुई है जी साहब, हमारी बहन के साथ में मतलब छेड़छाड़ी का आरोप लगाया गया है, उनके साथ में गाली गलौज करी है, जिसके बाद में वो पीछे पीछे आए और घर पर आके चिल्ला चोट करने लग गए और हमारा पूरा परिवार वाले के साथ में मारपीट करी इनने। ये भागरी समाज के हमारे पास में रहते, आए दिन झगड़ा करता रहते हैं सब। उनका एक का नाम राजपाल है, एक का नाम सागर है, एक का नाम राजेश है, एक का नाम जितेन है, ये 4-5 है और एक का नाम उसका लाल सिंह है। साल भर पहले भी विवाद हुआ और आए दिन मतलब हर त्यौहार पे दारू पी के आ जाते हैं और घर पर घर के सामने गाली गलौज करते रहते हैं। ये मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे छोटे वाले भाई के साथ में मारपीट हुई, मेरे मम्मी के साथ में मारपीट हुई, मेरे अंकल जी के साथ में मारपीट हुई, मेरी मिसेज के साथ में मारपीट हुई, मेरे दोनों सिस्टर है छोटी वाली मामा जी की लड़की उनके साथ में मारपीट हुई। हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और नंगी तलवारें लेके बैठते हैं सामने। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रजापत नगर के खूनी संघर्ष के बाद आरोपी बनाए गए हर्ष यादव, मां राखी यादव और हर्ष के आर्मी में पदस्थ भाई यश यादव ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर मामले की जांच कराने का निवेदन किया है। एसपी ऑफिस पहुंचे परिवार ने सीएसपी सचिन परते के सामने अपना पक्ष रखा। इन्होंने बताया कि उनके घर पर उसी रात दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर नुकसान पहुंचाया था और घर के बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की थी। घटना में आरोपी पक्ष की ओर से भी 3-4 लोग घायल हैं, लेकिन पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए केवल उन्हीं पर प्रकरण दर्ज कर दिया है। घटना के बाद आर्मी में पदस्थ यश यावत तत्काल छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचे और पूरी स्थिति जानने के बाद आज उज्जैन पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी बात रखने पहुंचे। सीएसपी सचिन परते ने उन्हें निष्पक्ष जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमले वाली बात है तो आज से 3 दिन पहले दमकल मीणा और रोहित श्री प्रजापति, ये लोग, इन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी। घर में आए, मेरे घर में कार फोड़ी, पल्सर तोड़ी, ऊपर से नीचे तक के पूरे कांच तोड़े, मुझसे झुमा झटकी की, मेरी चेन तोड़ के लेके गए और मुझसे हाथापाई पे भी उतर आए थे और मारने की धमकी दी मुझे केवल एक पैसे के लेन देन के चक्कर। और मेरा कुछ पैसे की कोई बात थी लेने देने की, अच्छे से मेरे बेटे ने बोला था, मेरे बेटा बोल रहा था पैसे के लिए, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोल रहे थे, बोले जब जब तू पैसे मांगेगा ना या तो हम तेरे घर जाएंगे, तेरे घर का नुकसान करेंगे। और हकीकत में उन लोगों ने वही चीज़ की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन से परेशान हो रही थी मैं। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदि हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेद नगर, इंदौर रोड, उज्जैन। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर एक 7 वर्षीय बालिका ने स्कूली बस से गिरकर जान गंवा दी। हादसे से स्कूल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया है। नारायणा निवासी यशस्विनी पिता रामेश्वर महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल कालूहेड़ा में पढ़ती है। बस से गिरने पर उसकी मौत हो गई।
दरअसल बस स्पीड ब्रेकर से गुजरी तो झटके के कारण यशस्विनी बाहर फेंका गई। सड़क पर गिरने से उसकी मौत हो गई। हादसे में पर्दा डालने के लिए स्कूल प्रबंधन पूरी घटना छिपा गया। इसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर वीरेंद्र भाटी तेज गति से बस चला रहा था। स्कूल प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बस में कंडक्टर था और वो सीट पर बैठा हुआ था। जहां बालिका गिरी वो सड़क पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था। प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि बस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल कालूड़ा की बस डेली बच्चों को लेने के लिए आती है नाराणा में, तो नाराणा की बच्ची अपने बस में चढ़ने के बाद बस ने ड्राइवर ने लापरवाहीपूर्वक ब्रेक लगाया और गेट के यहाँ जो बस बच्ची बैठी थी सीट पर वो नीचे गिर गई और उसी बस के पीछे के पहिए के अंदर आकर के उसकी मृत्यु हो गई। और उसका मेन कारण है बस की लापरवाही। उसमें ना तो क्लीनर कंडक्टर कुछ भी नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, गेट खुला हुआ था उस गेट के अंदर और जो सीट पे वो बैठी थी उस सीट के वहाँ कोई जाली लगी हुई नहीं थी, इसलिए पूरी तरह बस ड्राइवर और बस की लापरवाही और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ये हुआ। और वहाँ पर वो किसी प्रकार का कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं था, इसके कारण उस बच्चे का डेथ हो गई। उसमें दोषी वाला तो क्या बताएं, स्कूल बस जो जिस गांव से चलना थी वहां से महज आधे किलोमीटर किसी बस्ती के पास आई थी और वहां पर कुछ स्पीड ब्रेकर आने से कुछ गियर वेयर लगाने के ड्राइवर का, और बालिका पहली सीट पे ही बैठी थी, तो पहली सीट पे बैठने पे बस के अंदर कंडक्टर भी था, कंडक्टर भी उसके पास में बैठा था, अचानक बालिका गेट पे से गिरी और पीछे की साइड की पीछे मस्तिष्क में उसको लगी, तो उसका सिर फट जाने के कारण ऐसा मामला हुआ सर। अच्छा, जहाँ पे ग्रामीण जनों का ये कहना है कि कंडक्टर उस बस में था नहीं, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो उसमें कंडक्टर था जी, ठीक है, और उसके बाद आप भी बोल रहे हैं कि वो बैठा हुआ था, जहाँ उसको गेट पे खड़ा होना चाहिए था जी, ये उसकी गलती है कि नहीं? सर बस वहाँ से स्टार्ट हुई थी और महज चार या पाँच बच्चे बैठे थे, उसके बाद धीरे 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 गाड़ी में जैसे बच्चे आते जाते हैं तो उसने उस बालिका को बिठा के फिर वो उसके पास में बैठ गया था, बिठा के उसके पास में ही बैठा था और फिर आगे स्टॉप पे जाके गाड़ी रुकना थी, वहाँ से फिर वो मतलब गाड़ी ऐसा नहीं कि भरा गई थी पूरी और खड़ा रहे ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो कंडक्टर बालिका के पास में बैठा था कि दूसरी सीट पे बैठा? नहीं, वो पास में ही बैठा था सर। तो पर सर जब अगर वो बालिका के पास बैठा था तो बालिका गिर रही थी तो वो उसे पकड़ भी सकता था सर? थोड़ा हो सकता है ध्यान इधर उधर भटक गया हो, ये तो बल्कि कंडक्टर का एक ही काम है कि अगर वो बस पे अगर चल रहा है तो उसे गेट पे ही खड़ा होना, पर गेट पे जाली वाला गेट भी होता है जो बच्चों की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, वो भी उसमें नहीं मिला। नहीं, गेट तो सर अक्सर यहाँ तक कि ग्रामीण जनों का ये भी कहना है कि उसके अंदर जो स्पीड है स्पीड भी उसकी बस की बहुत तेज थी। नहीं सर, स्पीड ब्रेकर पे तो गाड़ी धीरे होगी। वहाँ ब्रेकर नहीं है, हम देख के आए फुटेज, हम देख के आए, वहाँ स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, प्लेन रोड है, प्लेन रोड पे ही देख के आए, वीडियो फुटेज अगर आप चाहेंगे दिखा देंगे हम आपको, ठीक है, और उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ गाड़ी के अंदर? हाँ सर, गाड़ी के अंदर सीसीटीवी कैमरा। और आपने जिस हिसाब से बताया है कि उसके अंदर जीपीआरएस भी लगा हुआ है? हाँ जी, लगा हुआ है। स्पीड गवर्नर भी लगा? बिल्कुल लगा हुआ है। आप चेक। नई सड़क क्षेत्र में मकान तोड़ने का काम कर रहा एक मजदूर ऊपरी मंजिल से नीचे जमीन पर आ गिरा, पिलर पर टकराकर सड़क पर गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। कोतवाली के नई सड़क क्षेत्र में रतलाम के रतनगढ़ का रहने वाला सुनील पिता लक्ष्मण नाथ मकान तोड़ने का काम कर रहा था। इस दौरान वो नीचे गिरा और पिलर से टकराकर सड़क पर गिरने से उसकी मौत हो गई। इस संबंध में साथ काम कर रहे मजदूर राहुल ने बताया। क्या घटना हुई थी? कुछ भी नहीं है, बस मकान तोड़ लिए थे, पिलर आया एकदम, उसे पिलर एकदम टकराया, गिर गया छोरा नई सड़क पे। काम कहाँ चल रहा था? नई सड़क पे, नहीं चिंतन नहीं, मगर तोड़ने का काम लिया था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। पाकीजा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, विमेंस, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम, हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ,
घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीजा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट सूट जोधपुरी नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीजा 41 वराह मीर मार्ग फ्रीगंज उज्जैन। नगर निगम ने वार्ड 6 में पहला जन सहायता केंद्र खोला है। मंगलवार को महापौर ने केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम की योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी। वार्ड नंबर 6 में हुए इस आयोजन के मुख्य अतिथि महापौर मुकेश टटवाल, विधायक पारस जैन, निगम सभापति कलावती यादव, क्षेत्रीय पार्षद शिवेंद्र तिवारी, सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी थे। कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित किया। इस संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, आज हमारे वार्ड क्रमांक 6 में हमने जन सहायता केंद्र का प्रारंभ किया है। चुनाव के समय हमने घोषणा की थी कि प्रत्येक वार्ड में हम जन सहायता केंद्र खोलेंगे, उसी के अंतर्गत हम सारे वार्डों में इस प्रकार के सहायता केंद्र खोल रहे हैं, जहाँ पर हमारे नगर निगम की योजनाओं के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी दे सके और उनके क्रियान्वयन में हम सहयोग कर सके, इसी उद्देश्य को लेकर के कार्यालय प्रारंभ किया। इस साल के अंतिम लोक अदालत 12 नवंबर को होगी। लोक अदालत की तैयारी पर जिला जज आर.के. वाणी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने समस्त जजेस के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत के तहत राजीनामा के माध्यम से अधिक प्रकरणों के निराकरण की रणनीति तैयार की गई है। आपराधिक, सिविल, धारा 138, NIT एक्ट, विद्युत अधिनियम, पारिवारिक घरेलू हिंसा, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैंक फाइनेंस, नगर पालिका निगम संबंधित जलकर प्रकरण, BSNL, ट्रैफिक ई चालान एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है। इस नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में माननीय प्रधान जिला शत न्यायाधीश महोदय श्री आर.के. वाणी साहब के द्वारा सभी न्यायाधीशगण की एक समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें सभी न्यायाधीशगण को अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, श्रम न्यायालय, विद्युत चोरी आदि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत की एक खासियत यह है कि लोक अदालत के माध्यम से जिन प्रकरणों का निराकरण होता है, उन प्रकरणों में पक्षकारों को उनके द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। विद्युत चोरी के मामलों में और जलकर संपत्ति कर के जो बकाया के जो मामले हैं नगर निगम से संबंधित, उनमें भी शासन के द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। तो आम जनता यदि इस नेशनल लोक अदालत में उनका निराकरण करवाते हैं तो उनका लाभ भी उनको प्राप्त हो सकता है। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब, और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 4030003। उर्दूपुरा स्थित श्री नरसिंह मंदिर में 6 नवंबर को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। घरों से बना भोग ही भगवान को समर्पित किया जाएगा। राजपूत धार्मिक परमार्थिक न्यास के इस आयोजन में 56 भोग भगवान को समर्पित किए जाएंगे। ट्रस्ट ने सभी शरणार्थी बहनों से पारंपरिक वेशभूषा में अन्नकूट में शामिल होने की अपील करते हुए स्व इच्छा से एक एक भोग प्रसादी बनाकर लाने की अपील भी की है। इस संबंध में न्यास ने सदस्यों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। और अब खबरें दे दनादन।
नागर ब्राह्मण समाज का 11वां अन्नकूट महोत्सव हरसिद्धिपाल स्थित हाटकेश्वर धाम में उत्साह से मनाया गया। मंदिर परिसर को फूलों और रंगोली से सजाया गया। खास बात ये रही कि प्लास्टिक की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया गया। भगवान श्री सहस्त्रा अर्जुन जयंती पर राय समाज द्वारा अपने आराध्य देव का पूजन कर 56 भोग लगाकर आरती की गई। वहीं शाम को निजातपुरा स्थित राय समाज धर्मशाला से चल समारोह निकाला गया। पूर्णोदय साहित्यिक संस्थान लहरपुर यूपी द्वारा काव्य महोत्सव के तहत कवि समागम व सम्मान समारोह का आयोजन उपनिषद आश्रम गौघाट में किया गया। इसमें महाकवि कालिदास साहित्य सम्मान से डॉक्टर प्रवीण जोशी को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मंगलवार को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मंगलवार को सरगम स्कूल में स्वच्छता पर आधारित रंगोली स्पर्धा आयोजित की गई। इसमें मुस्कान मटीले, माही प्रजापति, राज गौड़, संजना चौधरी विजेता रहे। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर इंदौर रोड उज्जैन, या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था उज्जैन शहर का आज का हाल। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे इनबॉक्स या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111440077 पर दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।